सो गाइज वेलकम बैक टू क्लैश विद विक्टर। स्वागत करता हूँ अपने क्लैश ऑफ क्लैंस के एक और नए अमेजिंग एपिसोड में। तो गाइज यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर को कुछ प्रॉब्लम थी कि कैसे हम जो है अपने मेन अकाउंट को दूसरे फ़ोन में या नए फ़ोन में कैसे ट्रांसफ़र करें, तो इसी पे ये वीडियो होने वाला है। तो गाइज ये बहुत ही इजी ट्रिक है, तो इससे आप किसी भी फ़ोन में अपने मेन अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लाइव अपना यही मेन अकाउंट जो है दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइज सबसे पहले आपको अपने मेन अकाउंट को या फिर जिसे भी आपको दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है उसे पहले आपको सुपरसेल आईडी से जो है लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन कैसे करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा तो यहाँ पर अभी कनेक्टेड है, बट जब मैं कनेक्ट कर रहा था तब के कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन या क्रिएट न्यू पर, जब यहाँ डिसकनेक्टेड होगा तब, और अगर आपका पहले से कनेक्टेड तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। तो फिर आपको जो है क्रिएट न्यू करना है, उसके बाद फिर आपसे जिस जीमेल से आपको सुपरसेल आईडी कनेक्ट करनी है वो दो बार आपको एकदम करेक्ट एंटर करके सबमिट कर देना है। फिर आपके जीमेल पर सुपरसेल एक ओटीपी भेजेगा, तो उस ओटीपी को डाल के आपके जो है आपको डन पर क्लिक कर देना, और उसके बाद बहुत ही ईजी तरीके से आपकी सुपरसेल आईडी कनेक्ट हो जाएगी। सो गाइस चलिए मैं अपने टैब पर अब आपको लेकर चलता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने टैब पर। तो पहले तो अब मैं इसमें मेन अकाउंट को अपने ट्रांसफ़र कर दिखा देता हूँ। तो पहले तो आपको सेटिंग्स में जाना है और सुपरसेल आईडी यहाँ पर डिसकनेक्टेड दिखा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर या फिर न्यू टू सुपरसेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है, तो न्यू टू नहीं करना है आपको, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर लॉगिन कर देना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको फिर कंटिन्यू पे दबा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीमेल आईडी जिससे आपने अपने मेन अकाउंट को जो है लॉगिन किया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर डाल दिया। और यहाँ पर एक टिक मार्क का ऑप्शन भी आ चुका है, तो यहाँ पर आप रिमेंबर मी ऑन दिस डिवाइस पर कर देंगे तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा इस फ़ोन में। यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है, और अब वो कह रहा है कि अब हमें ओटीपी डालना है, तो ओटीपी मैं भी देखता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने देख लिया है ओटीपी क्या है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ओटीपी। तो यहाँ पर ओटीपी डाल के आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो सब और ये बात आपको गाइस याद रखनी है कि ओटीपी आपको एक ही नहीं बार बार डालना है, ये ओटीपी सिर्फ वन टाइम प्रोसेस के लिए होता है। तो हर बार जब भी आप लॉगिन करें तो एक ही ओटीपी मत याद रखिएगा कि यही डालेंगे यही बार बार, तो फिर उससे आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आपके में जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ पर हर बार अलग अलग ओटीपी आती है, तो आपको जीमेल पर चेक करते रहना है। तो अब यहाँ पर मुझे कन्फर्म कर देता हूँ मैं यहाँ। तो कन्फर्म करने के बाद अब यहाँ पर फिर से गेम स्टार्ट हो रहा है, और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मेन अकाउंट जो है अब मैं ये मेरे टैब में आ चुका है। अब गाइस इस ट्रिक को यूज़ करके आप किसी भी फ़ोन में अपने मतलब अकाउंट को जो है लॉगिन करके खेल सकते हैं। तो गाइस कैसे लगी आपको वीडियो, होप श्योर आपके पसंद आई होगी। तो गाइस लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर बटन को पेल दीजिए और घंटा फोड़ दीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है क्लैश ऑफ क्लैंस में तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड क्लैश ऑन एंड बाय फ्रेंड्स।